दोनों हाथ सीधे खड़े करके और प्रेम से ताली बजाते हुए नाम का चिंतन करें। सिया राम का नाम जगत में पावन परम पुनीता, राम 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 राम
जब गोपांगनाओं की विरह व्यथा का दर्शन किया तो उद्धव जी महाराज ने एक वाक्य वहां उद्धृत किया है। गोपांगनाओं को कहा कि तुमको ये वियोग तो नहीं हो सकता है, तुमने अनुग्रह के लिए मुझे ये वियोग का दर्शन कराया है, मैं अनुग्रह करता। ऐसा लगता है मां को भी कभी राघव का विरह हो नहीं सकता है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, ये दोनों अलग कैसे हो सकते हैं, दोनों एक ही हैं। किंतु भगवती माने हम पावरों पर कृपा करके करुणा करके ये मानव विरह दिखाया है कि अरे पावरों, अपने को भगवान का भक्त कहते हो, शांति से सोते हो, शांति से भोजन करते हो, कभी तुम्हारे जीवन में भूख उठती है क्या उन्हें पाने के लिए? और सच में यदि प्रेमी हो तो कैसी भूख उठनी चाहिए? मानो ये अनुग्रह करके ही मां ने हमें दर्शन कराया है। मां विवर हो जाती हैं और श्री भगवती मां आज मानो त्रिजता को कहती है कि तुम अग्नि की व्यवस्था करो, अब ये शरीर रखने का प्रयोजन पूरा हो गया है। त्रिजता ने कहा क्यों शरीर का प्रयोजन पूरा हो गया है? मुझे पता है कि राघव हमारे बहुत दूर है, अवधि पूरी होते हुए यहां वो आ नहीं पाएंगे और जब आ नहीं पाएंगे तो ये शरीर अब रहेगा नहीं। मैं आपको कैसे कहूं, आज तक हमें कहीं पढ़ने को नहीं मिला, इस यात्रा के बाद जो रावण श्री वैदेही के पास में आया था उसके यहां आने की यात्रा अंतिम यात्रा थी, ये दोबारा फिर वैदेही के पास पहुंच नहीं पाया है। और सच में कहां से पहुंच पाएगा कष्ट देने के लिए? कहा कि सत्य कहीं मैं प्रीति सयानी, सुनई को श्रवण सूल सम वाणी, ये सूल के समान अब वाणी सुनी नहीं जाती है। और जब महाराज कहा कि अग्नि की व्यवस्था करो तो श्री वैदेही की विरह दशा देख करके त्रिता ने कहा मां एक बात कहूं,
मेरे से ज्यादा आपको पता है कि तुम्हें केवल स्मरण करा रही हूं तुम्हें प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। बार बार भगवान के प्रताप की चर्चा सुनाती हैं, भगवान के बल की चर्चा सुनाती हैं। हमने तो एक संत से यह भी सुना कि त्रिजटाज ऋषि ऋषि कथा सुनाने लगी, ऋषि की कथा सुनाने लगी और कहा तुम भूल गई, जिस समय देश देश के राजा महाराजा आए हुए थे और उस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाया था, रावण जैसे लोग उसके समीप नहीं गए थे, किंतु वहां राघव ने उसको तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था, तुम्हारे साथ नाता जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था, श्रीजू ने कहा जोड़ा था, तो क्या हुआ कल भूल गई तुम। ऐसी ऐसी अनेकानेक कथाएं उनको सुना रही हैं ये बार बार, और बार बार चरण पकड़ करके कहती हैं कि मां आप इतनी व्यथित मत हो, और कहने लगी यदि आपकी आपकी इच्छा है मैं आपकी दासी हूं सेविका हूं, मैं आपकी व्यवस्था करती तो सही किंतु निश्न अनल मिल सुन सुकुमारी अस कहीं सो निज भवन सिधारी। अरे सुकुमारी अग्नि भी तुम्हें क्या जला पाएगी, तुम्हारे सुकुमारी को देखकर अग्नि को भी शीतल बनना पड़ेगा, और रात्रि में अग्नि मिलेगी तो कहां से मिलेगी। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है कि अग्नोत्रियों के यहां भी अग्नि होती है रात्रि में, किंतु शास्त्र विधा के आधार पर अग्नोत्री भी रात्रि काल में अग्नि किसी को देते नहीं है। अगर मानो अग्नोत्रियों के यहां जाकर के मैं आग मांगू भी तो आग से मिलेगी नहीं आग, और ये कहकर के उनको लगा कि यदि मैं इनके सामने बनी रहूंगी तो ये हमसे कुछ न कुछ पीड़ा की बात कहती रहेंगी, दुखित होती रहेंगी, और उनको प्रणाम करके अस कही सो निज भवन सिधारी, रात्रि काल में वह अपने भवन की ओर चली गई। और जब भवन की ओर चली गई तो चिंतन करती है मां की लगता है मुझे आग नहीं मिलेगी, ये सूर्य मिटेगा नहीं, और तब तक आकाश की ओर देखा, देखिए तो प्रकट गगन अंगारा अवन आवत एकहु तारा। क्या विरह की विलक्षणता होगी, आकाश में जितने इन्हें तारागण नजर आ रहे हैं वो सब अंगारा नजर आ रहे हैं, और विरही को होता ही ऐसा है, वो जितने तारे हैं लगता है बड़े बड़े अंगारे हैं, और मानो कहती है मैंने पहले जाने कितने बार इन तारों को टूटता हुआ देखा है किंतु आज एक भी तारा टूट करके अवनि में नहीं आ रहा है, पृथ्वी में नहीं आ रहा है। अवरक्षण धातु भी है, अवनि माने पृथ्वी भी है, और अवनि कर देंगे अलग अलग तो नितराम अर्थ में यदि नी को लेंगे तो ऐसा लगता है कि मानो इस दुर्भाग्यशालिनी की रक्षा करने के लिए, दुख से रक्षा करने के लिए एक तारा नहीं आ रहा है, और विवल हो जाती हैं। कहा कि ऐसी हद भागिनी के साथ कौन संबंध बनाना चाहेगा, जिसका कहा कि फूट गया है, जिससे विधाता रूठ गया है, लगता है कि मुझसे विधाता रूठ गया है। पावक मैं शशि स्रवत न आगी मानो मोई जानी हत भागी। ये चंद्रमा भी पावक में ही तो रहे, आग में ही तो रहे, अंगारा दिख रहा है आज चंद्रमा भी, जो चंद्रमा कभी शीतलता देता था, कभी रस वर्षी था, कभी अमृत वर्षी था, आज अमृत वर्षी नहीं अग्नि वर्षी लग रहा है। उस चंद्रमा को निहार कर भगवती कहती हैं कि लगता है यह हतभागिनी की ओर ये भी नहीं निहारेगा, और उसकी ओर से दृष्टि हटाकर जिस वृक्ष की ओर वृक्ष की छाया में बैठी थी उसको प्रणाम करके कहने लगी आपका नाम अशोक है ना, आपका नाम तो किसी ने अशोक रखा है, और अशोक का अभिप्राय होता है शोक का हरण करने वाला, जिसके जीवन में शोक न हो शोक का हरण करने वाला हो, तो अपना नाम सत्य कर दो ना,
अपने नाम का अर्थ यथार्थ रूप में प्रकट कर दो ना। मानो उसने कहा क्या तुम यथार्थ रूप में हम प्रकट कर दे। बोले मानो मोई जान हत भागी सुनई बिटप मम मरा विनय मम बिटप अशोका। ए अशोक मेरी विनय को स्वीकार करो सत्य नाम कर हरु मम शोका। अपने नाम को सत्य करके हमारे शोक का अपहरण कर लो। मानो हमको अंगारा ला कर दे दो जिससे मैं अपने शरीर को समाप्त कर दू। उसने कहा कि मानो मेरे पास अंगारा कहां से आया मां। उन्होंने कहा मैं देख रही हूं आप में अंगारे हैं, आपके पास अंगारा है, मैं निहार रही हूं नूतन पिछले अनल समाना। वृक्ष में जब महाराज नए नए पत्ते निकलते हैं तो वह रक्तिम वर्ण के होते हैं पिछले। उन रक्तिम वर्ण की महाराज नूतन पत्तों को देखकर कहती आग नहीं तो और क्या है। देही अगन जल कर निदाना, अरे अग्नि देख करके हमारा निदान कर दो, मुझे दुख से छुड़ा दो। देखी परम विरहा कुल सीता। संत प्रवर्षि कृष्णा जी महाराज कहते हैं इस विरह अवस्था को देखा मेरे ही की सीता को, सीता के दुख को। श्री हनुमंत लाल जी महाराज के लिए समय कल्प के समान दिखा। सच में जो आनंद के क्षण होते हैं वो कब बीत जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है, और जो दुख के क्षण होते हैं उसे बिताने में बहुत समय लगता है, घड़ी बीतती है तो लगता है जीवन बीत गया। आज इतनी पीड़ा हुई श्री हनुमंत लाल जी महाराज को जैसे कल्प के समान समय बीत गया हो। और श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने कहा क्या करें, हमारा कर्तव्य क्या है। विचार करने लगे और जो विचार किया तो दीन मुद्रिका डारी था। ये पांचवी बार श्री हनुमंत लाल जी महाराज का विचार है। जब से लंका में प्रविष्ट हुए हैं तो विचारों की श्रृंखला इनकी चल रही है, और ये समझ करके महाराज विचार करके उन्होंने मुद्रिका डाल दी। हमारे संत कहते हैं ये तो अपराध कर दिया। क्यों ऐसा अपराध क्यों किया। बोले राम नाम अंकित ये मुद्रिका है, जैसे राघव ने इनको सम्मान से इनके हाथ में दिया था वैसे ही इनको श्री वैदेही को सम्मान से देना चाहिए था। मुद्रिका को डालने का अभिप्राय क्या, मुद्रिका क्यों डाल दी। उन्होंने कहा इससे अच्छा मुद्रिका देने का साधन नहीं होगा। मानो बताना चाहते हैं कि मां विरह अवस्था में यदि बचना चाहती हैं पीड़ा से तो भगवान नाम के अतिरिक्त कोई सहारा नहीं। ये भगवान नाम ही तो है। और जो महाराज मुद्रिका डाली श्री वैदेही की दृष्टि पड़ी, क्योंकि पहले से अशोक वृक्ष की ओर निहाल रही थी। अगर आंखें नीचे होती तो ये दर्शन नहीं कर पाती। जो महाराज वहां से श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने मुद्रिका डाली और वह ऊपर से जो नीचे चलने लगी मुद्रिका मां की दृष्टि पड़ गई। जनु अशोक अंगार, ऐसा लगा कि आज कृपा कर दी अशोक वृक्ष ने और उसने लाल लाल अंगार दे दिया है। दीन हरस उठ कर गए हो, तुरंत प्रसन्न होकर के आज हमारा सौभाग्य उदित हो गया। हमारी पीड़ा सुन ली अशोक ने और हमको ये अंगार दे रहा है जलाने के लिए। ये कहकर के महाराज हर्षित होकर प्रसन्न होकर के उस मुद्रिका को पकड़ लिया। हमारे संत कहते हैं मुद्रिका को नीचे नहीं गिरने दिया माने, या भूमि में नहीं गिरी मुद्रिका तो या महाराज ऊपर से ही माने इनको पकड़ लिया। और जो पकड़ा मुद्रिका उनके हाथ में गई तब देखी मुद्रिका मनोहर। अंगार समझ करके गई थी मां पकड़ने के लिए और जब हाथ में मुद्रिका आई तो देखा क्या तो मनोहर मुद्रिका है। और राम नाम अंकित अति सुंदर, ये तो राम नाम से अंकित है अति सुंदर है। चकित चितौ मुदरी पहचानी हरस साध हृदय अकुलानी। माने नारायण इस मुदरी को पहचान लिया। हमारे संतों ने वर्णन किया है कंतावली रामायण में, चाहिए सांकेतिक भाषा में वर्णन भी है
वहां पर संत प्रवर्ति तुलसीदास जी महाराज ने इस मुद्रिका के बारे में वर्णन किया है कि जब राघव जनकपुर में महाराज गए हैं तब इनके कर कमलों में ये मुद्रिका थी और ये मुद्रिका ऐसी थी कि सबका मन हरण कर रही थी। जो इस मुद्रिका को देखता था उसी का मन हरण कर लेती थी, उसी का मन ये मुद्रिका चुरा लेती थी। और जब श्री राघव जनक नंदिनी से मिले तो ये मुद्रिका उनको उन्होंने दे दी थी और ये मुद्रिका दे दी थी कि तुम इसको धारण करो। कितने वर्षों तक इस जानकी ने इस मुद्रिका को धारण किया था और ये मुद्रिका श्री राघव के समीप कब पहुंची? जब हमारे श्री राघवेंद्र सरकार वनवासी बनकर के चित्रकूट की ओर यात्रा कर रहे हैं और श्री केवट जी के यहां गए। श्री केवट जी ने पहले ही प्रार्थना की थी कि हमको कुछ चाहिए नहीं, आपसे उतराई कुछ चाहिए नहीं, केवल आपके चरण पखारूंगा। ये संपूर्ण कथा तो मैं नहीं सुनाऊंगा आपको। और चरण पखार कर श्री राघवेंद्र सरकार को जब नाव पर आरूढ़ करके वह गंगा के उस तट पर उतार देता है और श्री राघव जब यात्रा प्रारंभ करना चाहते हैं तो बड़े संकोच में गढ़ते हैं। संकोच यह हुआ कि इसने हमको गंगा के पार किया किंतु मैं कुछ नहीं दे पाया। तो प्रिय ही की गति जाननी हारी, प्रिय ही की गति जाननी हारी, अपने प्रिया की हिया की बात जानने वाली श्री सिया ने, और सिया यदि अपने प्रिया की हिया की बात नहीं जानेंगे तो दुनिया में कौन जानेगा। आज सिया ने अपने प्रिया की हिया की बात जान ली। कुछ देना चाहते हैं श्री राघव, मन मुद्री मारा तुरंत उतारी और जब मन मुद्री उतार कर श्री राघव को दे दिया, राघव ने केवट के हाथ पर रखा और कहा कि ये स्वीकार करो उतराई। केवट विह्वल हो गया। संतों ने तो ऐसा वर्णन किया है, वो तो प्रणाम करके कहता है दंडवत प्रवान प्रणाम करके, नाथ आज मैं काह न पावा, आज ऐसा कौन क्या नहीं मिला हमको, आपने संपूर्ण कृपा हमारे ऊपर कर दी है और कहा इतना तो मैं निलज्ज नहीं हूं कि इनके हाथ की मुद्री उतरा लूं। संतों ने कई भाव महाराज इसमें दिए हैं। एक महात्मा तो हमारे वर्णन करते हैं केवट विह्वल होकर के सोचने लगा कि यदि ये उतराई देकर चले गए तो नाता पूरा हो जाएगा, दोबारा इस घाट में कभी आने वाले नहीं है। पहले ही इतने परेशान हो गए हैं कि अब दोबारा इस घाट में आने का क्यों काम कर प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा महाराज ये अपने पास में रख लीजिए और जब वापस आओ तब आप हमको दे देना। तो निश्चित कर दिया इस चतुर ने कि इसी घाट से अब आना पड़ेगा, बांध दिया ना, ऋण बना रहेगा तो ऋणिया को आना ही पड़ेगा उस रास्ते में। इसलिए महाराज ये पहचान गई कि चकित चितो मुदरी पहचानी, उस चकित महाराज चकित होकर उस मुदरी को पहचान तो गई किंतु महाराज उस मुदरी को देखकर पहले तो प्रसन्नता हुई, बाद में विषाद हुआ और हृदय से व्याकुल हो गए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जहां अति स्नेह होता है वहां भय की आशंका बहुत रहती है। आप लोग कभी विचार करना, आपका बेटा या बेटे का बेटा या बेटी की बेटी स्कूल पढ़ने के लिए गई हो, 2 बजे वापस आने का टाइम हो और 4 बजे तक ना आए तो आपके मानस में ये नहीं होगा कि कहीं खेल रही होगी, कहीं अपने मित्र के साथ चली गई होगी। आपके चित्त में अमंगल की भावनाएं आएंगी कि नहीं आएंगी? अधिकतर अमंगल की भावना आई, कहीं रोड में आ गई हो, एक्सीडेंट न हो गया हो, कहीं कोई अपहरण करके न ले गया हो, जाने कितने अमंगल की भावनाएं आएगी। अति स्नेह में अधिकतर इस प्रकार की आशंका रहती ही रहती है। भले जानती हैं कि हमारे पति कोई सामान्य नहीं है किंतु चिंतन करने लगी तो विषाद से भर गई,
कि यह मुद्रिका यहां कैसे आ गया। हमारे संतों ने कई प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। मैं यही चिंतन करने लगी कहीं दुष्ट ने हमारे प्राणनाथ का कोई अमंगल तो नहीं कर दिया। बिना अमंगल किए इसके हाथ में मणि कैसे आएगी, मुद्रिका कैसे आएगी। ऐसे वो मणि इनको देने वाले नहीं है तो विषाद से भर गई, हृदय व्याकुल हो गया, कुलाने लगी। बाद में चिंतन करने लगी, नहीं नहीं नहीं, हमारे शिराघों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जीती को सके अजय रघुराई, अपने चित्त को समझा कर कहती, अरे बावरे चित्त, तू ये नहीं जानता है कि वो अजय है, रघुराई है। आज तक उनको कोई जीत सका नहीं तो कौन जीत पाएगा। मैं और सोचने लगी कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कि त्यों माया के से मणि महाराज मुद्रिका बना दी गई हो। तो कहती नहीं नहीं, माया से असली रची नहीं जाई, ये माया से ऐसी मुद्रिका महाराज रची नहीं जा सकती है। सीता मन विचार कर नाना, इस प्रकार के विचार कर रही थी बार बार नाना प्रकार के, तो श्री हनुमतलाल जी महाराज वहीं से बोल पड़े। और क्या बोले हैं जो भक्त एक बोलता है, महाराज बोले तो क्या बोले, रामचंद्र गुण वर्ण ही लागा। इन्होंने श्री राघवेंद्र सरकार की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया और हमारे संतों ने कहा कि कथा इन्होंने अरण्यकांड तक ही सुनाई, बालकांड से लेकर के अयोध्याकांड की कथा सुनाई और अरण्यकांड की कथा सुनाने के बाद किष्किंधा कांड की कथा नहीं सुनाई। और कारण क्या है, अगर किष्किंधा कांड की कथा सुना दी होती तो निश्चित रूप से जिज्ञासा इनके मन से नहीं होती। आदम ते सब कथा सुनाई, जब महाराज इन्होंने कथा सुनाना प्रारंभ किया तो मां को इतनी रसीली कथा लगी, इतनी रसीली कथा लगी कि पीड़ा इनकी चली गई। और महाराज आदम महाराज लागी सुनई श्रवण मन लाई, मन लगा करके सुनने लगी। और जब ये कथा मृत का पान किया उन्होंने तो पीड़ा न्यून हुई, और जो न्यून हुई तो उन्होंने कहा जिन्होंने इतनी रसीली कथा सुनाई है वह प्रकट क्यों नहीं होता है, वह हमारी आंखों के सामने क्यों नहीं आता है। तो जो कहा तो श्री हनुमतलाल जी महाराज नीचे उतर कर खड़े हुए, और जो नीचे उतर कर आए तो माने तुरंत मुख मोड़ लिया। फिर बैठी मन विस्मय न भयो, महाराज मुख मोड़ लिया तो श्री हनुमतलाल जी महाराज कहते मां आपने ठीक ही किया है। क्या ठीक किया है, बोले इससे केवल कथा सुनने लायक है, इसका मुख देखने लायक नहीं है। और सच में ये ध्यान देने लायक भी है, आप लोग अन्यथा मत मानिएगा। आजकल बड़ी एक विडंबना देखता हूं मैं, कथा का उद्देश्य तो होना चाहिए कि भगवान के लोग प्रेमी बने, किंतु अधिकतर लोग भगवान के प्रेमी कम बनते, वक्ताओं के प्रेमी ज्यादा बन जाते हैं। यह अपराध है, बनना चाहिए भगवान का प्रेमी। भगवान की कथा सुनाई जा रही तो हम भगवान के रसिक बने, भगवान के प्रेमी बने। और हम कई बार नारायण देखते हैं तो बड़ा दंग रह जाते हैं कि कहां से पता नहीं है दोष आ गया है। गोविंद के अनुरागी बने, ठाकुर के अनुरागी बने, ये वक्ता की कीमत क्यों है कि वो कथा सुनाता है। अगर कथा उसके पास में न हो तो उसकी कोई कीमत नहीं है। इन्होंने कहा आपने बात ठीक किया है, इस वक्ता का मुख देखने लायक नहीं है। और महाराज हाथ जोड़ करके बोले मां रामदूत में मां तो जानकी, मां मैं राम का दूत हूं। उन्होंने महाराज परिचय पूछा कि तुम कौन हो। आपको सच कहें कि श्री हनुमतलाल जी महाराज हैं, हमारा तो हृदय भराता है। कोई प्रतिभा संपन्न व्यक्ति से यदि उसका परिचय पूछे तो तुरंत बताएगा मेरा ये गांव है, मेरा ये नाम है, मेरी ये जाति है। अगर इनसे मां ने पूछा था तुम्हारा परिचय क्या है, तो सामान्य व्यक्ति यदि कोई होता तो कहता कि मैं पवन का पुत्र हूं, अंजना का लाल हूं। कि दूसरी हनुमंतलाल जी महाराज ने ये कोई परिचय नहीं दिया,
तो परिचय नहीं दिया। बोले अब एक ही संबंध है राम दूत में मात जाने की। हमारा यदि कोई परिचय है, एक ही परिचय है कि मैं राम का दूत हूं, दूसरा कुछ परिचय नहीं है। राम के नाते ही परिचय है, और क्या परिचय है हमारा। सच में जहां सारे परिचय मिट जाए, जहां सारे संबंध मिट जाए, वही तो भगवान का संबंध पाने लायक है। इन्होंने कहा मैं राम दूत मातु जानकी। जब कहा कि मातु जानकी, कहा कैसे हम मान जाएं कि तुम राम के दूत हो, तो श्री हनुमंतलाल जी महाराज कहते मैं कसम खाता हूं। किसकी कसम खाते हो? बोले सत्य शपथ करुणा निधान। आज सत्य शपथ खाकर कहता हूं कि मैं करुणा निधान का दूत हूं। ये बहुत शीला नाम ठाकुर का है। हमने संतों से सुना है कि ये संबोधन केवल भगवती मां करती थी। ये रसीला संबंध था। जब श्री राघवेंद्र सरकार पाणी ग्रहण संस्कार करके अवध में आए थे, सब लोगों ने कुछ न कुछ दिया था बधाई में श्री राघव को। जब मां का नंबर आया श्री किशोरी जी का, उन्होंने कहा हमारे पास तो अपना कुछ है नहीं, मैं दूत तो क्या था, हमारे पास कुछ अपना नहीं है। तो ठाकुर जी ने कहा नहीं कुछ तो दो। बोले आपको नया नाम देती है। क्या नया नाम देती? बोले आपका नाम करुणा निधान रखती है, किंतु मेरी प्रार्थना है इस नाम को आप सब जगह प्रदर्शित मत कर देना। ये हमारा अपना संबंध का नाम है, इस नाम को लेकर मैं ही पुकारूंगी आपको, दूसरों को मत बताना। श्री राघव ने कहा कि इष्ट से, ईश्वर से और अपने पुत्र से थोड़ी कुछ छुपाया जाता है। मानो ये बात कही थी पुत्र से नहीं छुपाया जा सकता। आज ये जो अंदर की बात थी महाराज, हृदय की बात थी करुणा निधान की, जो महाराज ये कहा कि मैं करुणा निधान की शपथ खाता हूं, श्री वैदेही को पूर्ण विश्वास हो गया कि राम का दूत है। अगर ये राम का दूत न होता तो ये महाराज इसको अंतरंग संबंध पता न चला होता। या मुद्रिका मां तुम्हें आनी, दीन राम तुम कह सही रानी। मां मैं ये मुद्रिका लेकर आया हूं, राघव ने हमको प्रभु ने दिया है तुमको देने के लिए। जब महाराज ये कहा कि तुमको देने के लिए कहा है, तो मैंने एक प्रश्न कर डाला कि नर बानर ही संग कहूं कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। मानो अरण्य कांड तक की कथा सुना डाली थी, इसके बाद की कथा नहीं सुनाई थी, तो भगवती को ये लगा कि नर और बानर की संगति कहां हो गई, ये कहां इनकी मित्रता हो गई, कहां ये दास बंदे कैसे हुआ पता नहीं। जब पूछा तो महाराज तुरंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन, यह कृपा सिंधु कर दास। कपि के वचनों को सुनकर मां को मन, मां के मन में विश्वास हो गया और जान गई है मन से, क्रिया से और वचन से। श्री करुणा निधान के कृपा सिंधु के दास हैं। सच में मन क्रम वचन से यदि हम राघव के दास बन जाए तो काम बन जाए। कई बार हमारी क्रिया तो होती है किंतु मन नहीं होता है। कई बार हम वाणी से तो बोलते तो हैं, उसके साथ मन नहीं जुड़ा होता, क्रिया नहीं जुड़ी होती। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की वाणी से पता चल गया, क्रिया से पता चल गया कि निश्चित रूप से क्रिया से भी उनका दास है, वाणी से भी उनका दास है और मन से भी उनका दास है। और जब महाराज उनका दास ये समझ में आ गया तो हरिजन जान प्रीति अति वाणी गाड़ी। महाराज जब पता चला कि हरिजन है, ठाकुर जी के हैं, ये जानकर के मां के हृदय में प्रीति उमड़ पड़ी।
सजल नयन उल्कावरी गान ही महाराज उनके भी सजल नयन जर्जर जर्जर अश्रु बहने लगे और महाराज उल्कावरी रोमांच हो गया। बूढ़त विरह जलदि हनुमाना भय दास मन को जल जाना। उन्होंने कहा ये विरह रूपी सागर में हम तो डूब रही थी किंतु लगता है श्री हनुमंतलाल जी तुम जहाज बनकर आ गए, नौका बनकर के आ गए, जलजान बनकर के आ गए। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भ्रवन खरारी। एक बात कहो, हम तुम्हारे पर बलिहारी होती हैं, हमको एक बात बताओ। हमारे संतों ने कहा कि जननी को और सच में मां को अपने पति से ज्यादा अपने बच्चों की चिंता ज्यादा होती है। अच्छा आप कभी विचार करें, हमारी माताएं कहीं घर से बाहर गई हों और आने में देरी हो जाए तो पति ने क्या खाया है इसकी भले उनको चिंता न हो, किंतु बेटे की चिंता होगी कि नहीं होगी। मां को श्री राघव की उतनी चिंता नहीं है जितने लखनलाल जी की चिंता है, और कठोर वचन कह करके आई हैं इसलिए और पीड़ा है। इन्होंने तुरंत पूछ दिया कि अनुज सहित सुख भवन खरारी। गरुड़ जी महाराज को संबोधन करके महाराज करे एक बात सच सच बताओ। और दूसरी बात और भी है, यहां इन्होंने कहा कि लखनलाल के सहित वह भवन में कुशल से तो है। अब श्री हनुमंतलाल जी महाराज के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या खड़ी हो गई? अगर वो कहते हैं कि राघव कुशल से हैं, आनंद से हैं, तो मां को लगेगा मैं इतनी दूर चली आई उसके बाद भी वो आनंद से हैं, तो उनका क्या प्रेम है हमसे। और यदि वो कहूं कि वो बिलख रहे हैं, तुम्हारी पीड़ा में ये दुखित हैं, तो सच में वह कैसा ईश्वर है जो सामान्य इस प्रकार से दुखित हो जाए। इस प्रकार से श्री हनुमंतलाल जी महाराज बोले हैं। जब इन्होंने महाराज कोमल चित कृपाल रघुराई कपि के हेतु धरी विफलाई पूछ दिया कि वो महाराज कोमल चित्र श्री कृपाल हमारे राघव, आप ये बताओ किस कारण से उन्होंने निठुरता धारण कर लिया है, उनके मान में क्या प्रभाव था। मैं जानती हूं सहज बान सेवक सुखदायक कबहू को सुरत करत रघुनायक। वह कभी क्या हमारी याद करते हैं? क्या हमारी याद करके उनके नैनों में कभी जल भराता है? कभी क्या हमको असौभाग्य मिलेगा कि सुमुख चंद्र को हम निहारेंगी? वचन नाव नयन भरवारी। महाराज विवर हो गई, नैनों से आंसू बहने लगे। आह नाथ हो निपट विसारी, देख परम विराहक को स्मरक। जिस प्रकार से विलाप करे तो विराट ने देखा सीता को, बोला कपि मृदु वचन विनीता। अब श्री हनुमंतलाल जी महाराज बोल पड़े, मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। क्या बोलने का ढंग है महाराज, तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य में पहले कह दिया कि आप कुशल क्षेम यदि पूछना चाहती हैं तो मैं कह दूं मां अपने अनुज के समेत वह कुशल से हैं किंतु दुखी भी हैं। कैसे दुखी हैं? बोले तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, वह कृपा निकेतन आपके विरह के कारण आपके दुख के कारण वह दुखी हैं। महाराज एक बात हमारे संत कहते हैं कि भगवती ने मानो पूछ दिया क्या उनको उस अपने बाण की सुधि भूल गई जिस बाण के माध्यम से हमारी रक्षा की थी, क्या उस बाण के प्रभाव को भूल गए? तो हमारे श्री हनुमंतलाल जी महाराज कहते हैं तब वियोग संभव दारुण दुख। तुम्हारे वियोग का जो दारुण दुख है, बिसर गई महिमा सुबान की, केवल रुको आपकी सुधि है, आपकी याद है, आपके स्मरण में डूबे रहते हैं। अब उनको अपने बाण की महाराज सुधि भूल गई है, उनको उस बाण की सुधि नहीं है। इस प्रकार करके महाराज जो देखा कि रो रही है, तो श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने एक बात और कहती, मां एक बात कहूं, जन महाराज जन जननी मानो जी ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना।
सच में क्या ऐसी बात इन्होंने कह दी और सच कहें, जीव में क्या सामर्थ्य है वह ईश्वर को उतना प्रेम कर सके जितना ठाकुर हमसे प्रेम करते हैं। जितना वो हमसे प्रेम करते हैं, हम पामर कहां उसे प्रेम कर सकते हैं। उनका तो प्रेम सदा सर्वदा दूना ही रहेगा। और ये कहकर ऋषि हनुमंतलाल जी महाराज ने कहा कि मां ने पूछ दिया कि उन्होंने कुछ संदेश भेजा है। बोले हां संदेश भेजा है। क्या संदेश भेजा है? बोले तुम्हारे हाथ में इससे पूछ लो। तो मुदरी हाथ में थी और मुदरी में ही महाराज मुदरी ने ही इनको मानो सारी बातें सुना दी। तो संतों ने तो यही वर्णन किया कि श्री राघवेंद्र सरकार का जो संदेश था वो संदेश ये ब्रह्मचारी जी महाराज कैसे सुनाते। मैं आज चिंतन कर रहा था बैठ करके दोपहर में। बड़ा विलक्षण खेल है संसार का, ऐसा विलक्षण खेल है। हमारे श्री कन्हैया ने भी जिनको संदेश वाहक बनाया है श्री उद्धव जी महाराज को, वो भी ऐसे ही है जैसे श्री हनुमंतलाल जी महाराज हैं। आप कहोगे क्यों? तृतीय स्कंद में हमारे विद्युत जनों की दृष्टि जाएगी। श्री भगवान कहते हैं कि उद्धव हमसे अणुमात्र भी न्यून नहीं है। अणुपि मन न्यूनो, क्यों न्यून नहीं है अणुमात्र भी? बोले विषयों ने उनको कभी रौंदा नहीं है। श्री उद्धव जी महाराज संपूर्ण जीवन कभी विषयों के पराश्रित नहीं हुए। उनके चित्त को कभी संसार के सौंदर्य ने अपनी ओर खींचा नहीं है। और हमारे श्री राघव ने भी अपना संदेश वाहक ऐसे ही ब्रह्मचारी को बनाया है। वैसे होता तो ये है कि जिसका विवाह न हुआ हो, जो ब्रह्मचारी हो, वह पत्नी के वियोग की व्यथा क्या जान सकता है? वह क्या समझ सकता है कि पति पत्नी के विरह का जो क्या होता है? तो ऐसे को यदि विरह की गाथा भी सुनाई जाए तो सुनाने से कोई फायदा नहीं है। बड़ी विलक्षण बात आपको कहूं, दोनों वैराग्य के स्वरूप हैं। श्री लखनलाल जी भी वैराग्य के स्वरूप हैं और श्री हनुमंतलाल जी महाराज भी वैराग्य के स्वरूप हैं। और सौंदर्य की चर्चा जहां करनी पड़ी तो वैराग्यों के सामने ही राघव को करना पड़ा। आप कहेंगे कैसे? जब पुष्प वाटिका में श्री वैदेही की वैदेही का दर्शन हुआ और महाराज जगन की किंकणी ध्वनि सुनी, श्री राघवेंद्र सरकार उनको देखते ही रह गए, तजे दिगंचल, उन्मेष निमेश बंद हो गया। तो श्री लखनलाल जी ने पूछ दिया, भैया ये है कौन? इतने प्रेम से जिन्हें आप निहार रहे हो। तो श्री लखनलाल जी को परिचय देते हुए श्री हमारे राघव कहते हैं, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई, पूजन गौरी सखी लई आई, करत प्रकाश फिरत फुलवाई, जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुभग अंग सुन भ्राता, रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरई न काहू। ये लखनलाल जी के सामने वर्णन कर रहे हैं अपने हृदय की बात। और यदि आज विरह व्यथा की बात यदि भी करनी पड़ी है तो श्री वैराग्य के जो महाराज साक्षात श्री विग्रह श्री हनुमंतलाल जी महाराज हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर अपने संसार का दुख हो तो किसी रागी को मत सुनाने लगना, नहीं वो आपके साथ और रोने लगेगा, आपके दुख को और बढ़ा देगा। आप रोगे तो वो भी रोने लगेगा, आप दुख सुनाओगे तो और सुनाने लगेगा। तो यदि दुख सुनाने का मन ही हो किसी को तो वैरागी को सुनाओगे तो कम से कम सांत्वना तो देगा आपको। संसार की नश्वरता का चिंतन करके बताएगा, ये तो जो मिला है सो बिछुड़ेगा। इसलिए राघव ने जो पात्र चुना है ऐसे विलक्षण सुने चुने हैं। और दूसरी बात महाराज मैं निवेदन करूं, ये मुद्रिका जो है चैतन्य, कल भी मैंने निवेदन किया था, और ये आप देखेंगे अपने विनय पत्रिका में इसके चैतन्य का प्रमाण है। श्री वैदेही विनय पत्रिका से कहती, बोल बोली मुदरी,
अरे मुदरी ये बोल बोल सही, ये चैतन्य न होती तो बोलती कैसे। तो सचमुच में ऐसा लगता है रघुपति का जो संदेश है वो मधुरी ने इनको सुना दिया है। अस कई कपि गदगद भयो भरे विलोचन नीर, कहो राम वियोग तब सीता। ऐसे अन्वय करते विद्वजन में तो गदगद हो जाता हूं। कहो राम, ये मुद्रिका के माध्यम से किसने कहा? कहा कि हनुमान ने ही कहा, कहो राम। हमारे एक तो आधुनिक चिंतक कहते हैं कि महाराज वो मुद्रिका चेतन थी और जो मुद्रिका से कहा वैदेही ने कि क्या उनकी कुशल क्षेम है, कैसे वो रह रहे हैं, उनके बारे में बताओ, तो मुद्रिका में ही टीवी चालू हो गई, वो कैमरा जो था चालू हो गया और राम जी का मुख चंद्र उसमें दिखने लगा और रामचंद्र जी जो संदेश सुनाना चाहते हैं वो संदेश सुना दिया। हमारे एक महात्मा तो बड़े रसीले ढंग से कहते थे, वो आजकल वो मोबाइल में सिम लग जाता है ना, तो कहा सिम में सब लोड करके लाए थे मामला, कहा कि जो जो बोलना हो तो हम कैमरे में कैद कर देते हैं, अब ये संदेश मेरे बस का नहीं कि मैं सुना सकूं, तो उस मुद्री में लगाकर कहा कि सुन लो जो जो कहा है। और त्रेता युग में तुम्हारा विज्ञान बहुत बड़ा ही था, तो कहो राम। बोले श्री हनुमान जी महाराज ने नहीं कहा, राम ने कहा, कहो राम वियोग तब सीता, मोकहु सकल भय विपरीता। ये जो मोकहु सकल भय विपरीता, ये मो जो बात कह रहे हैं ये राम जी ही कह सकते हैं, और कौन कह सकता है। हमको सब कुछ विपरीत हो गया है और जो जो महाराज श्री वैदेही की दशा है उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। नौ तरो पिछले मनोह कृषाणु, इनको भी अशोक वृक्ष के पत्ते आग के समान लग रहे हैं, श्री राघव को भी आग के समान लग रहे हैं, ये रात्रि महाराज काल निशा के समान लग रही है, ये ऐसा लगता है कि कम जीवन ये पूरा हो जाए। वारिद तपत तेज जनो वर्षा, श्री राघव ने महाराज जो सब बातें सुनाई और एक बात कह दिया, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मनु सदा रहत तुम पाही, तुम्हारे पास ही हमारा मन रहता है और हम आपसे अभिन्न है। जब ये बात महाराज संदेश सुना तो मां का हृदय भराया, मगन प्रेम तन सुध नहीं ते ही, और आनंदित हो गई, आनंदित प्रसन्न होकर कि मां और में आनंद भरा हुआ है, रघुपति का चिंतन कर रही हैं। और चिंतन करते करते महाराज इतने आनंद में भर गई, आपको क्या कहें। अब देखो भाई, कोई अपना कुशल क्षेम अपने आराध्य की सूचना सुनाए तो निश्चित रूप से कुछ देने का तो मन होता है। अब जैसे हमारे विद्वान जन सुनाते हैं कि रुक्मिणी विवाह में जब भूदेव भगवान का संदेश लेकर के आए, उन्होंने कई बार सुनाया होगा, और रुक्मिणी मैया के पास भूदेव ने जाकर के कहा कि मैं आपका पत्र दे आया। रुक्मिणी माँ ने पूछा कि उन्होंने पत्र दिया? बोले नहीं। तो बहुत घबरा गई, उन्होंने पत्र नहीं दिया? बोले पत्र देने वाले को ही मैं ले आया हूँ, जो पत्र देने वाला है वही इसको मैं ले आया हूँ। तो रुक्मिणी मैया ने सोचा इस खुशी में ब्राह्मण देवता को मैं क्या दूं, इन्होंने इतना हित भरा हमारा काम किया है, क्या मैं दूं। पूरे घर में दौड़ी दौड़ी गई और इस खुशी की राय कुछ देने का हमको मिला नहीं, तो आकर सामने खड़ी होकर के बोली, महाराज मैं आपको एक कार देती हूँ। आप लोग कहेंगे उस समय भी कोई कार थी क्या? ब्राह्मण के ऊपर जब कोई ज्यादा प्रसन्न होता है तो यही कार देता है जो रुक्मिणी मैया ने दी। कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपको एक कार देती हूँ। कहा कौन सी कार देती हूँ? बोले मैं नमस्कार करती हूँ, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तो सच में जब कोई अपने आनंद की सूचना मिलती है तो निश्चित रूप से कुछ देने का मन होता है। आज माँ का देने का मन हुआ, और जब महाराज माँ का देने का मन हुआ तो माँ ने जो बोलना प्रारंभ किया है सुत कवि तो तुम्हें समाना। जब इसकी बात महाराज उन्होंने पूछा है, तुम्हारे समान ही सब बेटे हैं, ये कवि हैं, उन्होंने कहा हाँ माँ है तो सब हमारे समान ही। और जब ये महाराज तो संदेह प्रकट किया, जो संदेश प्रकट किया, संदेश प्रकट करते ही महाराज श्री हनुमंत लाल जी महाराज विराट बन गए हैं। आ विराट के दर्शन करके मां आनंद से भर गई
और मां को स्मृति आ गई कि निश्चित रूप से वही हैं जो हमारे कुशलक्षेम लेने के लिए आए हैं। मां ने महाराज आनंद में भर करके मां ने कुछ आशीर्वाद दिए हैं इनको। भगत प्रताप तेज बलशाली आशीष दीन राम प्रिय जाना, आज पहचान गई कि राम प्रिय है, तो आशीर्वाद क्या दिया, ओम तात बल शील निधाना, पांच आशीर्वाद दिए थे। कहा हे तात, अभी भी पुत्र नहीं कहा है, हे तात ऐसा करो कि तुम बल बुद्धि निधान हो जाओ, बलशील वाले हो जाओ, अजर अमर गुण निध सुत हो। अब सुत शब्द निकल गया है कि तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ और गुण निधि वाले हो जाओ, गुणों के सागर बन जाओ। तो पांच आशीर्वाद दिए, बलशाली बनो और बल के साथ शील बना रहे, सत्य के साथ शील बना रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, बल अधिक होने के बाद व्यक्ति का शील चला जाता है और ऐसा बल असुरों का बल हो जाता है। सच में बल के साथ शील का रहना परम आवश्यक है। तो बलशाली बनो, शीलवान बनो और अगर अमर हो जाओ, गुण के सागर बन जाओ। यहां तक महाराज पुत्र कहकर कहा, तब भी एक हमारे संत ने बहुत रसीली बात कही, बोले पांच आशीर्वाद, ये पंच तुम्हारा तत्व का बना हुआ मानो एक बेटे का शरीर बन गया। पांच तत्व का जैसे ये चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अदम शरीर, एक शरीर बन गया, किंतु शरीर में भी प्राण के संचार नहीं हुए। शरीर तो बन गया किंतु प्राण के संचार नहीं हुए। श्री हनुमंत लाल जी महाराज बिल्कुल गंभीर होकर के ही महाराज खड़े रहे। तब सोचा अब क्या किया जाए, इसमें कैसे प्राणों के संचार किए जाए। तब कहा, करो बहुत रघुनायक चोहु, महाराज तुम्हारी पर भगवान बड़ी कृपा करें, करो कृपा पो अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अब जब भगवान कृपा करें, ये सुन करके हनुमंत लाल जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान प्रेम करें, नरेंद्र में निवेदन करूं, भगवान से हम प्रेम करें ये तो बहुत लोग मानते हैं, भगवान से हमारा प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ जाए ये तो बहुत लोग मानते हैं, किंतु मां करुणा करके कहा, तुम्हारा प्रेम हो चाहे न हो, राम तुमसे प्रेम करें। अब इससे ज्यादा और सौभाग्य क्या होगा जी, भगवान जिससे प्रेम करने लगे, राम जिससे प्रेम करने लगे, काम बन गया। श्री हनुमंत लाल जी महाराज आनंद से भर गए हैं और निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नारे श्रीपद सीसा, बोला वचन जोड़ कर कीसा, अब कृतकृत्य भयो मैं माता, आशीष तो अमोघ मुख्याता, अब मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, अब मैं धन्य हो गया हूँ। मानो इसी की चाहत थी। सच के आज मैं गिन रहा था, इन्होंने नौ बार जननी शब्द का, मां शब्द का प्रयोग किया कि शायद मां कह दे, कि तो तब तक भगवती ने इनको सुत नहीं कहा। जब तक पूर्ण विश्वास नहीं हो गया तब तक महाराज इनको सुत शब्द से प्रसंबोधित नहीं किया है। और जब ये महाराज आशीर्वाद दिया, देखकर मां बहुत आनंद में भर गई, और मां आनंद में भर तो गई और हनुमंत लाल जी महाराज आनंद से भरे, तो श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने सोचा कि अच्छा मैं देखूं ये मां हमको बड़ा बेटा मानती है कि छोटा बेटा मानती है। महाराज बनने में तो छोटा बेटा ही फायदा है, बड़ा बेटा बनने में फायदा नहीं। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, ये ज्ञानी जो भक्त है ना, ये भगवान के बड़े बेटे हैं, और जो महाराज भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान ज्ञान विज्ञान आदि कुछ नहीं चाहते, वो छोटे भक्त। और ये सचमुच में छोटे भक्त ही, छोटे ही बेटे बनकर रख रहे हैं। अच्छा, माँ के पास यदि बेटा आता है तो माताओं सब सच सच बताना हमको कि सबसे पहले बेटे की दृष्टि कहाँ पड़ती है, माँ की पेट पर, इसने खाया है कि नहीं खाया। भाई हमको अनुभव नहीं, मैं सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ, कोई नाराज मत हो जाना। हम तो एक विद्वान से सुन रहे थे, शायद वो गृहस्थ थे जो सुन रहे थे जिनसे कथा, उन्होंने कहा कि पत्नी जेब देखती है और माँ पेट देखती है। पत्नी क्या देखती है, जेब देखती है, वो महाराज ये नहीं देखती कि भूख लगी है कि नहीं लगी। आप लोग गर्दन हिलाना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगी।
करने जाते कि आज तक मैंने कम तुम्हारी जेब देखी है, तो गर्दन ऐसे मत हिलाना ऐसे ऐसे, नहीं तो देविया सब देख रही आपके तरफ भी कि इनकी दशा क्या है, हमने ऐसे कभी किया तो है नहीं, ये क्यों ऐसे कर महाराज हिला रहे हैं गर्दन। मैं निवेदन करा तो माँ तो महाराज पेट देखती है कि उन्होंने भोजन किया कि नहीं किया हमारे लाल ने, और सच में श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने भोजन की ही चर्चा की है कि माँ हमको भूख लगी है, और जब भूख की बात कही तो और आज्ञा मांगी कि फल लगे हैं कि मैं खाऊं कैसे, तो महाराज माँ इनको आज्ञा देती है। सच में बिना आज्ञा के भोजन कैसे किया जाए इसका भी एक रहस्य है, ये कैसे पाटिका में जाकर के क्या क्या करते हैं, अब इसकी चर्चा नारायण कल करेंगे। अंत में अपने आराध्य के चरणों में यही प्रार्थना है कि जैसे श्री हनुमंत लाल पर भगवती ने कृपा की, सच में वह कृपा इस भागे पर भी हो, या चित्त पता नहीं कब तक उनके चरणों में समर्पित रहता है, कभी इधर होता है कभी उधर होता है, वही अभागे पर अनुग्रह करे और अपनी कृपा भरी दृष्टि से सदा निहारते रहे। हमारी मति हमारी रति हमारी गति एकमात्र उनके श्री चरणों में बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, भगवान की श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, संत भगवंत की, वृंदावन विहारीराम की जय, श्री राम जय, श्री राम एक छोटे से भजन का हम आप सभी मिलकर के आनंद लेते हैं, उसके बाद मैं आरती, और मैं चाहूंगा जितने भी भक्त हैं मां के चरणों में वो सभी नृत्य कर सकते हैं, प्रेम से झूम सकते हैं। हमारे यहाँ सुभैया ने कहा था कि 3 दिन से नचा नहीं रहे, तो जहां भी मेरी आवाज सुन रहे हो कृपा करके दरबार में आए सामने। हे राम हे राम हे Oh,
की जयकार करोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। प्रेम से बोलो, बोलो बजरंग बली महाराज की जय। ताली बजा करके अरे झमु झमु नाचते हो हम तुम्हारा, झमु झमु नाचते हो हम तुम्हारा, झमु झमु नाचते हो हम तुम्हारा।
बजरंगबली महाराज की जय, सियापत रामचंद्र की जय। आइए आरती की ओर अग्रसर हो। राम को मुद्रिका मिली, पुत्र को मां, आह्लाद और आनंद का नर्तन अवश्य होना था। अब कल बाट का ध्वंस है, आइए फिर देखते हैं। आइए आरती करते हैं।